तो ये देखिए, आज हमने ये पीस रेडी किया है, पार्टीवेयर पीस है ये। गला हमने इसका बनाया है एंकरिंग के साथ, पिंक कलर की हमने चार धागों की एंकरिंग की है गले पर, और बीच में इसकी लाइनें हमने तिल्ला यूज किया है, तिल्ले की लाइनें ऐड करी है, क्योंकि इसमें दो कलर है हमारे पास, एक पिंक कलर है हमारा वर्क के अंदर। अगर आप ये वर्क देखोगे इसका, ये देखिए, तो इसमें एक पिंक कलर मिल जाएगा, एक गोल्डन, तो दो कलर का यूज किया हमने। तो जो गोल्डन लाइन वाली, उसमें हमने लेस का यूज किया है गोल्डन से मैच करके, और जो पिंक कलर है उसमें हमने फिनिशिंग में यूज किया है, क्योंकि गोल्डन ही अगर हम फिनिशिंग इसके अंदर कर देते हैं, तो ये जो पीस है ना, तो थोड़ा डल पीस है ये, थोड़ा ब्राइट नहीं है कलर इसका, डल है, तो गोल्डन ही यूज करते क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा गोल्डन सा ही है, तो वो ये पीस थोड़ा डल हो जाता, दब जाता, तो इसको उठाने के लिए क्या है, हमने इसका कलर यूज किया है पिंक कलर, इससे फिनिशिंग में चलते हुए ये साइड से नजर आएगी ये चीज, तो वो बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। ठीक है, बाजू थोड़ी सी बेल शेप की है हमने, तो और ये इस तरीके की हमने कोई फिनिशिंग की है ये बाजू पर, और स्लिट में भी देखिए, घेरे में और चाक में हमने सेम फिनिशिंग की है। ये देखिए, इसमें आपको कोई सिलाई भी नजर नहीं आएगी, यहाँ पर समोसा लेस लगाई हमने, और इसके अंदर हमने लाइक्रा फ्यूज लगाया है फिनिशिंग के अंदर। तो ये देखिए, जो फिनिशिंग करनी है ऐसे करनी है, और इधर की साइड से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी ये फिनिशिंग। ठीक है, तो इसको किस तरीके से रेडी करना है आगे डिटेल में बताऊंगा, इसकी कटिंग कैसे करनी है, ठीक है, इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, डिजाइनिंग कैसे करनी है, कंप्लीट इसी वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको किस तरीके से रेडी करना है। तो इस कपड़े में आपको ये भी बताऊंगा, देखिए ये जो वर्क वाले पीस होते हैं, तो इन पर हमने इनको कैसे मैनेज करना होता है, कटिंग करते टाइम, स्टिचिंग करते टाइम, और सबसे मेन चीज के प्रेस हमने इसके ऊपर कैसे करनी होती है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। या तो आप चादर या कोई कंबल ले लो, उसको फोल्ड कर लो, उसके ऊपर रख के इसको प्रेस करना, ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है उससे। अगर आपका बुटीक है या आप घर में काम कर रहे हो, कस्टमर का बना रहे हो, तो आप 1 इंच वाली फॉर्म ले लो, 200-250 रुपए की मिल जाएगी वो आपको, 1 मीटर के करीब करीब 1 इंच वाली फॉर्म आती है, उसके ऊपर व्हाइट लाइनिंग का कपड़ा आप अटैच कर लो, चारों तरफ व्हाइट ही लगाना है, क्योंकि अगर व्हाइट के अलावा कोई और कपड़ा आप लगाते हो उसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, उसका कलर कभी जाने का खतरा हो सकता है प्रेस करोगे तो आप। ठीक है, तो व्हाइट ही कपड़ा यूज करना है उसमें, तो वो आप रेडी करके अपने पास रखो, जब भी वर्क वाला पीस आए आपने उसी उसी का यूज करना है प्रेस करते टाइम। ठीक, तो ये चीज हो गई, और ये फिनिशिंग जो हमने लगाई है, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कपड़ा ऐसा हो जिसका कलर ना जाए। इसमें तीन तीन या चार कपड़े होते हैं, साटन होती है, ग्लेस कॉटन होता है, और एक जाम कॉटन होता है, और एक होता है सिल्क। ये चार चार कपड़े होते हैं, और भी कपड़े होते हैं जिनका कलर नहीं जाता है। तो अगर आपको ऐसे कपड़े का पता नहीं है या कपड़े की नॉलेज नहीं है कौन सा कपड़ा कैसे यूज होगा, तो आपको सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। आपने वो जो कपड़ा उससे आपने मैच किया, सूट के अकॉर्डिंग जो मैच किया है, उसमें आपने क्या करना है, उस कपड़े को पानी में भिगोना है। ठीक है, एक कपड़ा लेना है व्हाइट, उसके बीच में नीचे भी व्हाइट हो, ऊपर भी व्हाइट हो, और उसके ऊपर प्रेस रख देनी है, और 1 मिनट तक प्रेस को रखे रहना देना है आपने उसके ऊपर। उसके बाद चेक करना, अगर कलर जा रहा है तो फिर आपने यूज नहीं करना, अगर कलर नहीं जा रहा है तो फिर आपने यूज करना। तो ये आप किसी भी कपड़े के साथ कर सकते हो, उससे आपको कपड़े की पहचान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ऐसा पीस आप बना रहे हो और आपने फिनिशिंग कलरफुल यूज कर ली, पता लग रहा है आपका कलर ही निकल गया उसका। वैसे तो ऐसे पीस ज्यादातर ड्राई क्लीन होते हैं या इजी वॉश होते हैं, तो फिर भी आप अपनी तरफ से तो पक्का काम करके चलो, क्योंकि कस्टमर का भाई महंगा पीस होता है, खर्च कर रहा है वो, तो उसको बेस्ट दो ताकि वो खुश रहे, वो खुश होएगा तो आप खुश रहोगे। ठीक है, तो ये कोशिश रखो। तो ये जो फिनिशिंग की सारी डिटेल है, ये आगे चल के वीडियो में हम आपको फुल बताएंगे, कटिंग, स्टिचिंग और इसकी डिजाइनिंग, फिनिशिंग कैसे है। तो पैंट में भी हमने इसकी एंकरिंग की है और लेस लगाई है, पैंट उधर पड़ा है इसका, तो उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी, पैंट और शर्ट की दोनों की डिटेल मिलेगी इसमें, कैसे हमने इसको रेडी किया है। तो चलिए अभी मैं कटिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसको कटिंग करना है, किस तरीके से कटिंग करते हैं इसकी, और कटिंग में मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, इसका जो बस्ट का साइज है, ठीक है, मान लीजिए इसका 40 साइज है, 40 है नहीं, 22-44 है इसका साइज, थोड़ा एक्सल साइज है। तो मैं कोई भी एग्जांपल लेके बता देता हूँ, मान लो किसी की बस्ट का साइज 40 है, ठीक है, तो जो मार्किंग में कर रहा हूँ 40, अगर मेरी बस्ट का साइज है जो भी मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो अगर आपका 41 साइज है बस्ट का या 39 है, आप सेम मार्किंग यूज कर सकते हो अपने पीस के ऊपर, सेम मार्किंग, अगर गला उतना ही है, अगर गला डीप है फिर तो चेंज हो जाएगा, तो उससे क्या है आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें आपका बाइसेप भी सेम रहेगा, आर्मोल भी सेम रहेगा, फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, शोल्डर भी सेम आएगा। तो बस्ट का आपने चेक करना है, बस्ट 39 है, अगर 40 है तो 39 भी चल जाएगा उसमें, और 41 भी चल जाएगा, मतलब 1 इंच नीचे और 1 इंच ऊपर दोनों साइड में चल जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, और जो लोग भी अभी फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी ये कोशिश है कि हम आपको एक ही वीडियो के अंदर फुल डिटेल दे, आगे भी हमारा यही प्लान है, हम इसी तरह की वीडियो डालेंगे जिसमें कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर, पैंट की, शर्ट की, और फिनिशिंग की, डिजाइनिंग की, जो भी हम डिजाइन बनाएंगे आगे, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने वाले हैं। तो हमने शुरू कर दिया, अभी रमजान चल रहे, रमजान के बाद हमने बहुत अच्छे डिटेल के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करनी है सारी। तो अभी कटिंग का हम स्टार्ट कर लेते हैं, कटिंग इसकी कैसे करनी है, चलिए चलते काउंटर के ऊपर। तो ये देखिए, ये है हमारे पास फैब्रिक, ये सूट बनने के लिए आया है, और इसे हमने बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के साथ बनाना है। तो इसकी फिनिशिंग में जो हम फैब्रिक यूज करने वाले हैं, वो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये फैब्रिक हम यूज करेंगे इसकी फिनिशिंग में,
ठीक है, ये फैब्रिक हम यूज करेंगे। प्रॉपर आपको फिनिशिंग करके दिखाएंगे, इस पीस को कैसे रेडी करना है, कैसे इसमें डिजाइनिंग करनी है, और कटिंग करते हुए इस पीस में हम किस किस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे पीस में बिल्कुल भी कान नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसकी जो फॉल है घेरे की, क्योंकि इसके अंदर वेट होता है, ऐसा ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो ये ऐसे पीस में हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बाजू हमारी ये साइड में आएगी इसकी, तो इसमें जोड़ा लेना पड़ेगा हमें साइड में, क्योंकि ऐसे निकलेगी नहीं, साइड की बाजू है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी लाइनिंग को कट कर लेंगे। लाइनिंग को कैसे कट करना है अभी साइज के अकॉर्डिंग, तो देखिए मैं इसमें एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ आपको। एक तो हमने जो लाइनिंग ली है इसमें, वो थोड़ा सा कलर हमने ब्राइट लिया है, क्योंकि इसका जो कलर है वो थोड़ा डल है, तो इसको थोड़ा सा उठाने के लिए कलर को, क्योंकि पीस पार्टी वेयर है, तो थोड़ा सा जो कलर है हमने ब्राइट लिया है लाइनिंग का। तो अगर आपका आप भी कोई इस तरह का पीस बना रहे हो, तो उसमें जब भी लाइनिंग यूज करनी है, थोड़ा अगर ट्रांसपेरेंट थोड़ा फैब्रिक है, तो कलर आपने थोड़ा सा ब्राइट लेना है। ये देखो आपको फर्क का पता, इसका कलर का दोनों में फर्क पता लग रहा होगा इधर, अगर आप चेक करते हो। तो जब हम इसको रखेंगे यहाँ पर, देखिए इससे इसका कलर जो है वो उठ जाएगा पीस का। और अभी नॉर्मल दिखाऊंगा मैं आपको, तो कुछ इस तरीके का आएगा कलर ये, तो इससे फर्क पड़ता है इसका। इससे क्या है, सूट के अंदर थोड़ी सी ग्रेस आ जाती है, और थोड़ा सा लाइट हो जाता है सूट, कलर थोड़ा सा उठ जाता है इसका। तो ये एक लाइनिंग की होगी। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, देखिए सूट में क्या करना होता है, ये जो सूट में कटिंग करूंगा, तो इसमें आपने जो मार्किंग है हमारी पीस की, उसमें आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो बैक नेक इसका डीप, जब भी मैं कोई सूट कटिंग करता हूँ, आपने दो ही चीज नोट करनी है, और वो चीज फिर आप अपने किसी सूट पर उस साइज के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो बस्ट का साइज है वो क्या है, और एक बैक नेक का जो डीप गला है। किसी की भी आप वीडियो देख रहे हो, मेरे अलावा भी अगर आप किसी की और की वीडियो देख रहे हो कटिंग की, उसमें भी आपने दो ही चीज नोट करनी है, बाकी चीज पर आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो एक तो बस्ट का जो साइज है वो क्या है, दूसरा आपने उसका जो बैक का गला है वो कितना डीप है। तो बैक गले के ऊपर मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, कितने बैक गले पर हमें कितना तीरा कटिंग करना होता है, आरमोल का निशान कितने इंच पर उतारना है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्योंकि आप बोलोगे अभी कि हमारा ये वाला साइज है, इसमें हम किसी हिसाब से कटिंग करें, इसी हिसाब से करें या अलग से करें, तो अगर आपका बस्ट का जो साइज है, मान लीजिए 40 साइज है बस्ट का किसी की, ठीक है, तो अगर 40 से 42 हो रहा है या 38 हो रहा है, तो सेम साइज ही आपका उस पर चल जाएगा। मार्किंग जो हम करेंगे, सेम मार्किंग आपकी उस साइज के अकॉर्डिंग चल जाएगी। मार्किंग से मुराद मेरे क्या है, आरमोल का जो डार्ट पॉइंट का जो निशान आता है, जहां पर बस्ट का पॉइंट आ रहा होता है, वो वेस्ट कितने इंच पर उतर रही है, स्लिट कितने इंच पर उतर रहे हैं, ठीक है, आरमोल टोटल कितने इंच का आएगा, तीरा नॉर्मली कितना आएगा अगर गला पीछे से कम है, ठीक है, बाइसेप का साइज वो कितना ही चाहेगा। तो ये सारी चीजें आपको बस्ट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और आप इस हिसाब से रखोगे तो आपके सूट में फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये तो एक छोटी सी टिप मैंने आपको बता दी है। तो हमारा जो बस्ट का जो साइज है इसका, वो रेडी जो साइज है हमारा 22 इंच है, यानी 44 इंच के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये आप ये समझो कि एक्सल साइज के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, एक्सल साइज आता है 22 इंच, अगर किसी की बस्ट है तो 22 इसकी बस्ट है, गला पीछे से नॉर्मल है 3, 3.5 इंच का, 4 इंच का जो बनता है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम वीडियो को। तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ा साइज ले लूंगा, तो हम इसको पहले बिछा लेते हैं लाइनिंग को। तो इस तरीके से आपने कपड़े को बिछा लेना है, ये देखिए हमने दो कपड़े बिछा लिए, बैक वाला हिस्सा बिछा लिया, फ्रंट वाला हिस्सा बिछा लिया। तो हम यहाँ पर कर लेंगे मार्किंग इसकी, सबसे पहला निशान ये लगाएंगे। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर इसमें हर एक चीज को मैं कवर करूंगा डिटेल में, इसकी डिजाइनिंग कैसे करनी, इसमें फिनिशिंग कैसे करनी, इसकी कटिंग कैसे करनी, सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर करूंगा। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो फिनिशिंग से काम करना, कटिंग करना, स्टिचिंग करना, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो यहां पर मैं 3 इंच का निशान लगा लूंगा, नॉर्मली तीरे का निशान लगा लूंगा, जितना भी तीरा है इनका, तो इनका जो तीरा है वो है 15.5, तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाऊंगा, क्योंकि बैक से गला हम 3 से 4 इंच का बनाएंगे। यहां से मैं डाउन करूंगा इसको 1 इंच, और ये निशान लगा दूंगा। यहां से मैं 7 इंच रखूंगा इसको, इसके डार्ट पॉइंट जो है वो 12 इंच पर आते, वेस्ट है इसकी 16 इंच पर, और हिप है इसकी 22 इंच पर। तो मैं 1 इंच इसमें बढ़ाऊंगा, हिप जो है इसकी 1 इंच इसलिए बढ़ाऊंगा क्योंकि हम इसे थोड़ा सा घेरे से एलाइन करेंगे, मतलब नॉर्मल जैसे हिप अगर हमारी 22 इंच हम रखेंगे, तो वहां से हम नीचे से 24 इंच रखेंगे इसको। तो अगर आप घेरा थोड़ा एलाइन स्टाइल में दे रहे हो, तो आपने हिप का साइज जो नॉर्मल रखते हो उससे थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और फिर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ डार्ट पॉइंट आएगा, इसका मैं हल्का सा निशान लगाऊंगा, और ये आएगा हमारा आर्मोल का निशान। तो हिप यहाँ से हम रखेंगे 22, यहाँ से रखेंगे 19 इंच, और यहाँ से रखेंगे 22 इंच, ये तो नॉर्मली जो इसका निशान आएगा वो ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने निशान लगा देना है पहले। यहाँ पर हिप चेक कर लेनी, 22 है हमारी हिप, तो यहाँ से हमने इसको रखना है। तो हम इसका घेरा जो रख रहे हैं वो 25 इंच रख रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा करना चाहते हो ज्यादा भी कर सकते हो घेरे का, वैसे शेप तो ये आनी चाहिए घेरे की इसके अकॉर्डिंग, पर इससे ज्यादा एलाइन हो जाएगा, तो हम इतना ही रखेंगे इसको।
ताकि ये वाली शेप हमें पूरी मिल जाए यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए ये वाली शेप हमें चाहिए मेन, इसकी स्केल वाली। अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से 1 इंच कम करके हम यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर हम करेंगे इसको 6.5 इंच। ये वाली शेप लेंगे हम यहाँ पर और इसको गहरी शेप दे देंगे यहाँ पर थोड़ी सी। यहाँ से हमने रखना है इसको 21 इंच और इसको ये वाली शेप देनी है हमने यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि हम इसमें प्लेट नहीं डाल रहे हैं तो हमने ये वाली शेप देनी है इसमें। आर्मोल एक बारी चेक कर लेंगे, इसका आर्मोल हमारा जो है आएगा 18 इंच आना चाहिए आर्मोल हमारा, तो यह आ रहा है 19। निशान पर हमारा 19 आ रहा है, इसको हल्का सा और डाउन करेंगे ये आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। और इसको हम कट करेंगे यहाँ पर, यहाँ से हमने रखना है इसको 0.25 इंच एक्स्ट्रा। इस तरीके से हम निशान उठा लेंगे ये वाला, तो यहाँ से जो ये देखिए बढ़ा है अभी हम ये वाला जो है साइज वो पूरा तीरे का हिसाब से रखेंगे, जो भी हमारा रेडी है 15.5 है तो यहाँ पर 0.8 इंच आ जाएगा 15.5। ये 1 पॉइंट कम किस लिए करते हैं ये आगे चल के आपको पता लगेगा जब हम इसको स्टिच करेंगे, क्योंकि ये चीज़ इससे मैच होएगी तो यहाँ से गला खुल जाता है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हम ये ऊपर की साइड से इसको आधा इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो ये देखिए ये पॉइंट है, ये जो ये मार्जिन है इसका जो एक्चुअल शेप है वो ये वाली होनी चाहिए, ये वाली ये शेप है इसकी, जो इसकी सही शेप है ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए निशान। अभी ये गोलाई क्यों हुई है, तो ये इतना मार्जिन, अभी ये वाला मार्जिन अगर हम यहाँ लेना चाहते हैं, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये हमने प्लेट का निशान लगाया और यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे, तो मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। हम डाल भी सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं, प्लेट भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ों का आपको पता लग जाएगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख लेते हैं हम डाल लेते हैं प्लेट को, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे फिटिंग थोड़ी और अच्छी मिल जाती है हमें अगर ये प्लेट डालते हैं। तो इसका प्लेट डालने का देखिए क्या क्या फर्क आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक प्लेट डालने की वजह से हमें क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा पीस के अंदर। तो ये जो ये निशान था हमारा, ठीक है, ये देखिए प्लेट डालने से इतना मार्जिन हमारा ऊपर आ गया 1 इंच का, ये हो गया। और ये वाला निशान हम इसी तरीके से लगा लेंगे वापस जहाँ था ये, और ये आ जाएगा हमारा ये। तो ये देखिए ये जो प्लेट का मार्जिन था हमारा यहाँ पर आ गया, अभी ये शेप हमें पूरी मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, सीधी की सीधी मिल जाएगी, ज़्यादा हमें गड़बड़ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना फर्क आ गया। प्लेट को अगर और मोटा करते तो ये टोटल मार्जिन भी इसमें आ जाता हमारा, तो यहाँ पर ज़्यादा मोटी प्लेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम इतनी प्लेट डालें यहाँ से, तो ये देखिए अभी ये उसी निशान पर आ जाएगा पुराने वाले पर, 21 हमें चाहिए यहाँ पर, ये देखिए ये आ गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, तो मैं रेडी निशान आपको दिखाता हूँ लगा के, मैं चौक इस करके दूसरा लेके आया हूँ। तो हमें ये वाला हिस्सा 21 इंच चाहिए, देखिए ये प्लेट मैंने थोड़ी और मोटी कर दी है यहाँ पर, जितना ये मार्जिन था उतनी मोटी यहाँ पर हमने प्लेट कर दी है, ठीक है। तो जो हमने लास्ट में निशान लगाया था वही निशान अभी देखिए हमें ये मिल गया ये चीज़, और चाहे आप इससे लगाओ निशान चाहे इससे लगाओ एक ही बात है, बट यहाँ पर आपने निशान इसी शेप पट्टी से लगाना है, थोड़ी सी हमें शेप मिल जाती है यहाँ पर, ये देखिए। और ये तो है हमारा निशान, ठीक है, तो ये चीज़ मिल गई हमें यहाँ। और ये निशान हम तो इस चौक से मैं लगा के इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं पीस के अंदर एक प्लेट डालने की वजह से। तो हम इसमें प्लेट डाल ही देते हैं क्योंकि अब सेटिंग हम कट कर दी तो हम इसको छेड़ नहीं सकते हैं, और इसमें हम फिटिंग का रिस्क लेना भी नहीं चाहते, तो प्लेट डालते हैं तो इससे हमें ये कन्फर्म हो जाता है फिटिंग तो अच्छी आने वाली है इसकी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने प्लेट डाल दी है, देखिए अभी हमने इसके अकॉर्डिंग करना, तो अगर आप प्लेट डाल रहे हो पीस के अंदर, ठीक है, तो आपको यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी ये बराबर आएगा मार्जिन, क्योंकि हमने जो आधा आधा इंच एक्स्ट्रा काटा था अभी वही कट जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ये इतना ही हमने ऊपर से एक्स्ट्रा कटिंग किया था, तो इसमें हमें अलग से एक्स्ट्रा कट करने की जरूरत नहीं होती है पीस जब प्लेट डाल रहे हैं, तो वही हमारी, तो ये इतना 1 इंच का साइज जो हमारा वो एक्स्ट्रा हमें काटना ही पड़ेगा फिर उसके, अगर हम प्लेट डाल रहे हैं, ठीक है। और ये वाली शेप हमारी यहाँ पर आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगी। इससे क्या है पीस की जो शेप है वो और अच्छी हो जाती है। तो मैंने इसमें दोनों चीज़ें आपको बता दी है, प्लेट के बिना मार्किंग भी मैंने आपको करके दिखाई। अगर आपको समझ नहीं आई ये चीज़ क्या हुआ ये, तो आप दोबारा से वीडियो देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और ये कर देंगे कट हम,
बैक का गला हम नॉर्मली रखेंगे 3 साढ़े 3 ही, इतना ही रखेंगे। ये आ जाएगा हमारा बैक नेक, ये आ जाएगा हमारा फ्रंट नेक। डिजाइनिंग हम इस पे करेंगे, तो डिजाइनिंग जो हमारी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये आएगी हमारी इसकी डिजाइनिंग, इसमें हमने एंकरिंग करनी है यहाँ पर, यहाँ पर हमने पाइपिंग लगानी है इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हमारी एंकरिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको फैब्रिक पे कट कर लेते हैं, क्योंकि लाइनिंग की लंबाई जो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, तो लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही चलेगी हम। तो जो बताने वाली चीज होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ के साथ ही। अभी ये वाला निशान जो है, क्योंकि इसका गला डीप नहीं है, तो ये हमें थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है नॉर्मल से। नॉर्मल तो मैंने बता रखा आपको, जो आर मोल का निशान है हमारा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, और वो भी आपको खुद ब खुद ही यहां से मिल जाएगा निशान। ये देखिए, तो इसमें आपको ये निशान खुद ब खुद मिल जाएगा। तो यहां से 1 इंच कम करके हम ये चेक कर लेंगे, तो ये 4.25 इंच आ रहा है हमारा, क्योंकि ये हम हमारी जो प्लेट डलेगी, ये देखिए अभी हमने चेक करना है निशान कितने इंच पर आ रहे हैं। तो ये 4 इंच पर हमारा निशान आ रहा है, तो ये निशान हम के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे इसको। ये 4 इंच पर लगाया हमने, तो जिस जिस हिसाब से आपका आर्मोल कटेगा उसी हिसाब से ये निशान आपका चेंज हो जाएगा हर साइज में। ये खुद ब खुद आपको, आपने बस वहीं से नापना है। बाजू की लंबाई है हमारी, तो 17 इंच रखेगा हम इसकी बाजू, 17.5 इंच। और बाइसेप है इसके 15.5, तो यहाँ पर निशान उठा लेंगे, आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल था हमारा 18, तो ये 18 पे पूरा आएगा निशान, और यहाँ से इसको शेप दे देंगे हम, ये आ जाएगी। और जो दूसरी शेप आएगी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, ये आएगी। तो पहले हम निशान लगाएंगे 5 इंच मोरी का, क्योंकि हमने इसकी बाजू रखनी है थोड़ी लूज, तो ये मार्क उठा लेंगे पहले, इस तरीके से आएगा ये निशान, ठीक है। यहाँ से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे, अभी इसको कर देंगे हम लूज, सही है। तो ये आ जाएगा हमारा स्लीव्स, कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा। तो ये कट चुकी है हमारी स्लीव्स, ये देखिए। तो इसका घेरा हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन हिस्सा बहुत ज्यादा आ जाएगा इसके अंदर, उस हिसाब से हम घेरा इसका कम कर लेंगे। तो इतना हमें इसका घेरा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है वर्क की वजह से, हमें कम करना पड़ेगा इसका घेरा। तो यहां पर हम कर लेंगे इसको कट। तो ये देखिए, इतना ही मार्जिन में चला जाएगा, और इतना एडजस्टमेंट हो जाता है नीचे की साइड में आ जाता है, क्योंकि इसमें हमने फिनिशिंग देनी है। तो वर्क के हिसाब से थोड़ा हमने मैनेज कर लिया, इसको थोड़ा कम कर लिया है, ठीक है, घेरा। नहीं तो बाजू हमने उतनी ही बनानी थी इसकी फुल, तो वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बाजू। ये छोटे जो ज्वाइंट है ये हम लगाएंगे, जब हम स्टिच करेंगे इसको, तो उसमें दिखाएंगे आपको कैसे करना है। तो मैं बॉटम निकाल के दिखा देता हूँ, बॉटम कैसे कट करेंगे इसका। हिप का चौथाई भाग रखेंगे, तो हिप का चौथाई भाग है हमारा, ये आ जाएगा हमारा चौथाई भाग 44 है, तो 11 रखेंगे हम यहाँ पर। और हमारी जो थाई है वो 26 इंच है, तो 13 इंच रखेंगे यहाँ पर हम। तो इतना ये कम पड़ा, थोड़ा से कम है, ज़्यादा कम नहीं है, बल्कि पूरा पूरा ही है हमारा ये मार्जिन, ठीक है। बट हमारे हिसाब से हमने 27 रखना था इसे, थोड़ा सा लूज ही बनाना था ऊपर से। और पैंट की जो लंबाई है वो है 33, 33 पर हम ये रेडी कर लेंगे, कुछ इस तरीके से निशान उठा लेंगे, प्लस मार्जिन तुरपाई के लिए। तो नॉर्मली हम 3 इंच छोड़ते हैं, बट इसके लिए हमें 4 इंच छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें थोड़ी लूजिंग हमें और ऐड करनी पड़ेगी थाई के अकॉर्डिंग। तो 13 का 6.5 का निशान ये लगा लेंगे हम, सेंटर का निशान लगा के प्लेट का निशान उठा लेंगे कुछ इस तरीके से, 11 दूनी 22, तो ये 11 पर निशान उठा लेंगे। ये 2 इंच का फर्क आना चाहिए यहाँ पर वैसे नॉर्मली, बट कपड़ा कम है हमारा थोड़ा सा, इस करके हमें कम लगाना पड़ रहा है निशान।
यहाँ पर भी 6.5-13 इंच का इसी का हाफ लगा लेके यहाँ पर मोरी रखेंगे इसकी, हम 15 इंच रखेंगे, तो 4.25 इधर लगाएंगे, 4.25 इंच इधर लगाएंगे निशान। स्केल को हम इस तरीके से यूज करेंगे यहाँ यहाँ पर। देखिए हम स्केल ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसमें क्या फर्क होता है मैं बता देता हूँ। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तब यूज करते हैं जब हमें थाई से भी फिटिंग देनी हो, ठीक है, किसी को फिटिंग ऊपर से भी फिटिंग पहननी है, तो हम ऐसे कटिंग करेंगे, निशान सेम लगेंगे, बस ये फर्क आ जाएगा। अगर उसको ये वाली चीज़ भी बिल्कुल फिटिंग में चाहिए, थोड़ा फिट फिट चाहिए, ठीक है, तो दे दो। जैसे लड़की पहन रही है कोई, उसके लिए तो ऐसी कटिंग करेंगे, पर कोई अगर आंटी है या बुजुर्ग है कोई थोड़ा, तो उनको तो उठने बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए ना, लूज लूज होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम इसको चेंज कर देंगे ऐसे। तो ये हमें इतना मार्जिन मिल जाता है दोनों साइड से। देखिए अभी ये यहाँ लगा रहा हूँ मैं निशान, और अगर ऐसे लगाऊंगा तो ये देखिए कितना टाइट हो रहा है, ये देखिए। तो ये इतना हमें इधर मिल जाएगा, इतना हमें इधर मिल जाता है, ये फर्क आ जाता है इसमें। तो आप मेरी वीडियो में देखते होंगे कि भैया चेंज करके करके क्यों लगा रहे हैं, कमेंट भी आए हुए थे हमें, तो ये फर्क होता है वो, ठीक है। और इधर से भी हम ऐसे लगा लेंगे निशान, ये हो गया। ये करेंगे हम चेंज, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको क्योंकि हमारा यहाँ पर मार्जिन कम है। नॉर्मली हम रखते हैं 3 इंच, बट हम इसके लिए रखेंगे 4 इंच यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 इंच रखते हैं हम, तो यहाँ पर रखेंगे हम 2.5 इंच। यहाँ पर हम रखते हैं 1.5 इंच, तो यहाँ पर रखेंगे हम 2 इंच। इससे क्या है, हमें इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, देखिए। तो ये जो शेप है हमारी वो आएगी यहाँ, तो मैं आपको एक ही शेप लगा के दिखाता हूँ कैसे आएगी। ये शेप आएगी हमारी कुछ ऐसे। वेस्ट है इसकी 33 35.5 इंच, तो 4 इंच माइनस कर देंगे, 31-32 कर देंगे हम इसकी रेडी। तो ये हो जाएगी हमारी बॉटम कट, तो आपको फुल स्टिचिंग कटिंग मैंने आपको दिखा दी है। फुल स्टिचिंग भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो अभी इसके बाद हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे किस तरीके से स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग का नॉर्मली आपको पता ही है, जो अगर हमारी वीडियो आप हमारे चैनल पर अगर जुड़े हुए हो, और जो नए हैं तो उनको भी स्टिचिंग का तरीका पता लग जाएगा। इसमें मेन फोकस हमारा डिजाइनिंग है, तो डिजाइनिंग की फिनिशिंग है, फिनिशिंग किस तरीके से करनी है, डिजाइन कैसे बनाना है, इसमें हमें एंकरिंग करनी है, इसमें हमें पाइपिंग ऐड करनी है, अंदर की साइड फिनिशिंग देनी है, फैब्रिक की लाइक्रा फ्यूज का यूज करना है आगे, अभी हमने वो सारी चीजें आपको इसके अंदर अभी मिलने वाली है। और आप अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। हमारा आगे आगे प्लान है, ताकि कंप्लीट गाइड करें हम आपको स्टिचिंग से रिलेटेड। तो मेरे बोलने पे दोस्तों ना जाया करो आप, मुझे बोलना अच्छे से नहीं आता है बिल्कुल भी, एक्सप्लेन करने में मैं माहिर नहीं हूँ। तो अभी हम कर लेंगे इसको स्टिच। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइनिंग है इसको अटैच कर लेंगे, फ्रंट की भी, बैक की भी, बाजू की भी, कंप्लीट को हम लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इसका गला बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं लाइनिंग अटैच कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ गले को हमने कैसे बनाना है। तो ये देखिए हमने ये लाइनिंग पूरी अटैच कर दी है। लाइनिंग अटैच करने के बाद इस पर आपने यहाँ पर पेपर फ्यू चिपका लेनी है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो वो इतनी चौड़ी आपने पेपर फ्यू चिपका ली, मतलब जितना आपका गला ब्रॉड है उस हिसाब से पेपर फ्यू चिपका लेंगे, क्योंकि हमने इस पर एंकरिंग करनी है, उस हिसाब से आप पेपर फ्यू चिपका लोगे इस पर। उसके बाद हम करेंगे गले की मार्क, इसकी मार्किंग जो है, तो जैसे कि हुई हुई है हमारी मार्किंग, बट इसको हम दूसरी साइड उठाने के लिए भी हल्का एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर, 8 इंच हम इसका डीप रख लेंगे गला। तो ये हमारा नेक हो जाएगा, इसमें आप शेप कोई और भी दे सकते हो, बट हम वी शेप बना रहे हैं। और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है, तो निशान उठाने के लिए मशीन में धागा नहीं डाल के खाली मशीन को हमने इसके ऊपर चलाना है इस तरीके से। इस तरीके से, और यहां पर भी ये
ये हो जाएगी, हमारी दोनों साइड पर निशान आ चुके हैं इसके, ये देखिए अगर आपको नजर आ रहा हो निशान जैसे ही मशीन से हमारे पड़ जाते हैं, उसके बाद हमने इस पर सिलाई लगानी है जो हमारी खाली मशीन जहाँ जहाँ हमने चलाई है, ताकि हमें अच्छे से वो चीज़ साफ दिखने लग जाए। ये सेम उसी के ऊपर हमने मशीन घुमानी है इस तरीके से, और उसके बाद दूसरी वाली साइड पे भी ऐसे ही घुमानी है हमने यहाँ पर। ये पर ध्यान रहे ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमारी सिलाई, इस पे आप ना भी घुमाओ तो भी चल जाएगा, तो इसको हम रहने देते हैं, इसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं है सिलाई को। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमने ये इस तरीके से धागे लेने हैं, इसके अकॉर्डिंग मैच करने हैं। ये देखिए जिस कलर की हम इसमें फिनिशिंग यूज कर रहे हैं उसी कलर के हमने धागे मैच कर लिए, ये कलर बना लिया है। चार धागे आपने लेने और चार धागों को इस तरीके से करना है, ये बन जाएगा आपका एक ही धागा। ये समझो आप ये चार नहीं है, एक धागे है, और इसको हम लगाएंगे मशीन पर ऊपर की साइड से। तो अब कर देंगे हम एंकरिंग करना स्टार्ट, यहाँ पर इसी सिलाई के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। तो ये कंप्लीट करने के बाद हमने धागे वाली सिलाई लगा ली, अभी हम लगाएंगे ये तिल्ले वाली सिलाई। यहाँ पर देखिए तिल्ला है, और ये मैं आपको अगर दिखाऊँ तो हमने ये कुछ इस तरीके से सेट किया है ये, ठीक है। तो बस इसको इस तरीके से आपने सेट कर लेना है, ये रख लेना है, और एक बार सिलाई लगा के हम चेक कर लेंगे इसको कि इसकी जो सिलाई है वो सही आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ लगा के चेक कर ली है। तो ये आपने चेक कर लेनी है, उसके बाद हम इसके बीच में एक लाइन तिल्ले की लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमने गले पर लगा ली है, यहाँ पर देखिए किनारी पर हमने चार सिलाई लगाई, दो धागों की लगाई है, दो तिल्लों की लगाई है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक पैर की लाइन लगा के धागों की, और उसके बाद तिल्ले वाली लाइन लगा दी है इसमें। तो अभी ये देखने में अजीब सा लग रहा होगा आपको, बट अभी जब हम इसको रेडी करेंगे लेस लगा के, तब देखना आप किस तरीके की फीलिंग आती है इसकी हमारी। उसके बाद ये मार्जिन को हमने काट लेना है यहाँ से, और इसमें हम लेस लगाएंगे ये वाली। तो हम लेस लगा लेंगे अभी इसके अंदर, लेस तो बहुत हल्की सी लग रही है मुझे। तो यहां से रख के हमने लगा लेनी है लेस, तो ये लगाने लेस लगाने के बाद दोस्तों हमने इसको इस तरीके से पलट देना है। तो ये गले वाला जो पैटर्न है इसको हम दो कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसको सिर्फ इतने ही एरिया में हम रख के पलट देंगे गले को, ये वाले एरिया को इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे यहां से यहां तक। और इसको कर देंगे हम यहाँ से कट, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला एरिया अंडरग्राउंड, इस तरीके से आ जाएगा गला हमारा ये, और ये कुछ सेटिंग आ जाएगी हमारी इस तरीके से गले की, ये देखिए। तो इसको हम प्रेस से सेट कर लेंगे अच्छे से, ऐसे ही हमने इधर करना है ये वाला हिस्सा। तो इसको हम प्रेस से सेट कर देंगे गले को, और
तो ये देखिए, ये हमने कर लिया है कुछ इस तरीके से सेट इसको, ठीक है। ये प्रेस लगा लिया हमने इसको, तो इधर हमने इसको चिपका दिया है और इधर से कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अभी ये वाली जो हमारी फ्यूजिंग है इसको हमने निकाल देना है इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी निकल जाएगी और ये भी निकल जाएगी हमारी। तो ये देखिए, हम गले के अंदर इसको ये लगाएंगे, ये पट्टी जो जिसकी हम फिनिशिंग दे रहे हैं, तो हल्का सा हाईलाइट हम गले में भी करेंगे इसको यहाँ पर, इतना हमने दिखाना है इसको गले के अंदर। और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इसकी, तो ये हो गया हमारा गला रेडी कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारी बाजू, इसको हम रेडी कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हमने लगानी है लेस किनारी पे, यहाँ पर लाइनिंग हमने इसकी अटैच कर ली थी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेस लगानी पड़ेगी यहाँ से। उसके बाद देखिए, ये जो फैब्रिक हमने, ये वाला जो फैब्रिक है हमारा, तो इसमें से हमने फैब्रिक ले लेना है इसकी फिनिशिंग के लिए। इसमें हमने लाइक्रा फ्यूज चिपकाई हुई है देखिए, तो हम बाजू की फिनिशिंग और नीचे घेरे और स्लिट वगैरह की फिनिशिंग इसी कपड़े से करने वाले हैं। तो बाजू के बाद मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की फिनिशिंग हमने कैसे करनी लेस डालने के बाद। और इसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लगा लेंगे, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और चाहे इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो हम इसमें कुछ ऐसे दिखाएंगे इसकी लेस, हमने दिखानी है इसको कुछ इस तरीके से, ताकि जो अंदर की फिनिशिंग है वो भी थोड़ी बहुत हाईलाइट हो। और इस तरीके से करने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरीके से फिनिश कर देंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमने कुछ इस तरीके से फिनिश कर लिया है इसको, देखिए। ये नीचे की साइड में हमने ये वाली चीज़ लगा ली है फिनिशिंग पट्टी, जो कि हम स्लेट में भी यूज़ करेंगे इसके और घेरे में भी, और लेस लगा के हमने ये वाली, ताकि ये दोनों चीज़ें हाईलाइट हो जाए हल्की हल्की। देखो अभी दोनों का शेड हमारा यूज़ हो रहा है इसमें। तो ये हमने फिनिश कर ली है, अब बस हमने इसको उठा के इस तरीके से बंद कर देना है बाजू को। तो बाजू हो जाएगी हमारी रेडी, ये वाली भी और ये भी, ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन निकला हुआ है इसको कट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी बाजू रेडी। आपको बाजू का डिजाइन पता लग गया कैसे हमने रेडी किया, और गला का आपको, गले का आपको पता लग गया किस तरीके से हुआ। अभी हम इसकी जो फिनिशिंग है नीचे की घेरे की और स्लिट की, वो आपको दिखा देते हैं किस तरीके से फिनिश होगी। देखिए ये आ जाएगी, ये वाली चीज कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और यहाँ पर यह चीज आएगी। तो अभी हम चढ़ा देते हैं इसकी बाजू कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, अभी हमने इसके साइड जोड़ लिए, बाजू रेडी कर लिया है। अभी नीचे की जो फिनिशिंग है उस पर हम आ गए। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने इसके स्लेट में भी फिनिशिंग लगानी है। सबसे पहले हमने क्या करना, पहले हमने घेरे को रेडी करना है, घेरे के अंदर फिनिशिंग लगानी है। तो आप जब भी पाइपिंग या स्लेट में कोई लेस वगैरह लगा रहे हो, तो आपने सबसे पहले घेरा फोल्ड करना होता है, उसके बाद ही आपने स्लेट वगैरह में फिनिशिंग देनी होती है, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, अगर हम पहले घेरा फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, तो जब इधर से कोई चीज लग कर आएगी तो वो सिंगल यहाँ पर नजर आएगी, यहाँ पर सिंगल नजर आएगी,
और अगर आप इसको बाद में फोल्ड करते हो, पहले लेस लगा लेते हो या पाइपिंग लगा लेते हो, जब इसको बाद में फोल्ड करोगे तो यहाँ से वो चीज़ डबल नजर आएगी, तो वो अच्छी नहीं लगती साइड से दिखती हुई। इस करके पहले हमें क्या करना होता है, घेरे को रेडी करना होता है, चाहे फिनिशिंग लगा रहे हो चाहे लेस वगैरह लगा रहे हो। तो हम इसको रेडी कर लेते हैं, इस पर मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ, आपने भी ऐसे कर लेनी है अगर रेडी कर रहे हो आप इस तरह का कुछ। यहाँ से हमने इसको पकड़ना है और चारों पल्लों को हमने बराबर कर लेना है। ताकि इक्वल साइज हम इसका निकाल सके चारों को बराबर करके। ये हो गया, ये हो गया हमारा पीस और ये हो गया। तो चारों को आपने बराबर करके यहाँ पर इस तरीके से देख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ कट लगा देने हैं इस जगह पर, क्योंकि इतना हमने इसको फोल्ड करना है यहाँ से। तो आप इस तरीके से कट लगा लो, तो या तो आपकी क्या है, ये मार्किंग आ जाएगी एक तरह से, ये देखिए। और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले तो हम घेरे को फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम घेरे पे फिनिशिंग लगा लेंगे और बैक वाले हिस्से पर भी फिनिशिंग लगा लेंगे इस पर। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे का काम कैसे करना है इसमें हमने। तो ये जैसे कि हमारा है ये घेरा, इस पर हमने लेस लगा लेनी है पहले। तो जैसे हमने बाजू को फिनिश किया है वैसे इसे फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम लगा लेंगे ये लेस। और उसके बाद ये जो फिनिशिंग की पट्टी है देखो, इस पे हमने लाइक्रा फ्यू चिपकाई हुई है यहाँ पर। तो इस फिनिशिंग वाली पट्टी को इसके ऊपर रख के हमने, तो इसको हम लगा लेंगे इसके नीचे। देखिए ये कपड़ा हो गया हमारा फिनिशिंग वाला, और इसलिए इसके ऊपर इस तरीके से रख के हमने सिलाई लगा ली है, ताकि हमें पता भी रहे कि हमारी सिलाई किस जगह पर आएगी। तो एक फिनिशिंग तो देखिए ये रेडी हो गई हमारी। अभी इसको सेट हमने परेस पर करना है, वैसे ही बनानी है, इस तरीके से आ जाएगी। तो इससे इसकी बॉर्डर की किनारी भी बन जाएगी और ये यहाँ फिनिश भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम बैक के लिए यूज़ करेंगे। बैक में पहले लेस लगाएंगे और फिनिशिंग ऐड करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ परेस से कैसे सेट करना हमने इसको फिनिशिंग को। तो इतना करने के बाद अभी यहाँ चलते हैं हम प्रेस पर और इसको सेट करके दिखाते हैं आपको कैसे इसको हमने फिनिश करना है। तो हम इसको प्रेस से कर लेंगे सेट यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से ना अच्छे से सेट कर लेंगे, बराबर आनी चाहिए ये चीज फिनिशिंग इसकी। इधर से सेट करने के बाद इसको, और इस साइड से हमने इसमें यूज करनी है रिवील सिविल। तो यहां से पहले एक फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। और हम रिवील सिविल का यूज करेंगे यहां पर। तो ऐसी चीजों के लिए हमें रिवील सिविल का यूज करना पड़ता है। देखिए इसमें वर्क है तो सिलाई लगेगी नहीं, और कच्चे का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट रिवील सिविल है, क्योंकि बाद में इसमें तुरपाई हो जाएगी यहीं के यहीं। ये एक तरह से आप देखो कि हम कच्चा कर रहे हैं। वैसे तो इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, जल्दी से उतरती नहीं, जब एक बार ये चिपक जाती है। तो ये देखिए इसकी फिनिशिंग आप। तो ये आएगी आपके घेरे की फिनिशिंग कुछ इस तरीके से, जो हमने रेडी किया है। ये देखिए,
उसके बाद हम ये वाला हिस्सा भी इसका इसी तरीके से रेडी करेंगे, ये वाला हिस्सा बैक वाला। तो इसमें देखिए हम फिनिशिंग की पट्टी लगाएंगे ताकि बाहर से हमारी वो चीज़ नज़र ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो ये देखिए इसका ये मार्जिन जो है वो भी गायब हो चुका है, और अब फाइनली हम इस पर लगा देंगे रिवील सीविल। तो ये हो चुका है हमारा फ्रंट और बैक का घेरा रेडी, ये देखिए। तो ये देखिए आप फिनिशिंग इसकी। अभी हमने क्या करना है इसमें, तो ये देखिए अभी हमने इसके जो स्लिट है उसको फोल्ड कर देना है, और स्लिट में भी फाइनल हम फिनिशिंग देंगे। और उससे पहले हम घेरे का मेजर कर लेते हैं घेरा कितना है, ताकि साइड हमारी चौड़ाई जो है साइडों की हमारी भी बिल्कुल बराबर है। ये चीज हमारी ये वाली चीज फ्रंट और बैक की बराबर आनी चाहिए। तो इसकी जो स्टिचिंग है वो हमने ली है, वो वीडियो के एंड में बताएगा इसकी कितनी स्टिचिंग है और कितनी चार्ज हमने इसका नॉर्मल स्टिचिंग से एक्स्ट्रा किया है। तो ये देखिए ये चीज़ ये हमारी आ गई बराबर, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे हम मार्किंग ये वाले घेरे की और ये वाले की, ऐसे ही हम यहाँ पर पहले ही कर लेंगे। तो ये भी मार्किंग हो चुकी है हमारी, अभी हम इसको प्रेस से बस एक सिंगल क्रीज लगा लेंगे ताकि हम उसी पर लेस वगैरह लगा सके। तो इस तरीके से हम इसको ना पहले ही क्रीज लगा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ए लाइन है, तो अगर आप इसको खाली मशीन से सेट करने की कोशिश करोगे थोड़ा मुश्किल होएगा आप लोगों को। तो कोशिश करो अगर प्रेस से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपने सिंपल इस तरीके से इसको कर लेना है फोल्ड, इधर से भी कर लेना, चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेना, जैसे कि मैं इधर से भी आपको थोड़ा सा करके दिखा दूँ। तो ये हो जाएगी फोल्डिंग हमारी, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने लेस लगानी है यहाँ पर, वो मैं दिखाऊंगा। तो देखिए इसमें लगा लेंगे अभी हम लेस, तो यहाँ पर हमने लगानी है इसकी लेस।
तो जो जो हमने अभी ये क्रीज लगाई है उस पर पहले हम लेस घुमा लेंगे, उसके बाद इसकी फिनिशिंग वाली पट्टी जो है वो लगा लेंगे हम। तो सबसे पहले ये लेस लगा लेंगे और ये जो क्रीज है इसके अकॉर्डिंग ही लगानी है बिल्कुल, तभी हमने ये क्रीज लगाई है। और लेस को खींचना नहीं है आपने, बिल्कुल भी नॉर्मल रख के लगानी है। तो ये देखिए, ये हमने जैसे कि लेस लगा दी है, अभी हमने लगानी है ये फिनिशिंग जो कि हमने कटिंग कर ली है, दो दो इंच की, ढाई ढाई इंच की, ठीक है। ये चार पट्टियां और चारों की चारों हमने स्लिट में लगानी है इस तरीके से। तो इसको यहाँ रखेंगे और उल्टी साइड से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो सिलाई हमें नजर आ रही है उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी लेस टेढ़ी मेढ़ी ना हो। इस तरीके से रखकर ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे इसको। देखिए तो चारों पट्टी को हम सेम इसी तरीके से लगा लेंगे, उसके बाद जो फाइनल इसका जो काम होएगा वो होएगा प्रेस का। तो उस पर मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से इसको सेट करना है प्रेस पर जाकर। तो मैं पहले चारों पट्टी इसकी अटैच कर लेता हूँ इसी तरीके से जैसे हमने ये अटैच किया है। तो ये देखिए, ये हमने चारों पट्टियां इस तरीके से लगा ली है। ये देखिए पट्टी लगाने के बाद दोस्तों ये जो मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा वाला, इसको हम कर देंगे इतना इतना कट, ठीक है। ये हो गया कट हमारा मार्जिन, क्योंकि इस मार्जिन की हमें नहीं है जरूरत। तो लूज टाइट करना तो आप यहां पर इस तरीके से छोड़ सकते हो मार्जिन को, ये वाला एरिया हमारा लूज टाइट हो जाएगा। नीचे से तो ए लाइन ही है ये, तो इसमें हमें जरूरत नहीं होती है। मतलब उतना मार्जिन रख सकते हो आप इसमें जितनी चौड़ाई रख रहे हो, जैसे कि इतनी चौड़ाई हम रखेंगे इसकी, तो आप इतना रख सकते हो, एक इंच का मार्जिन तक इसके अंदर रख सकते हो, इतना रख सकते हो। बट मैं इसे कमी कट करूंगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा ये। और अब करेंगे फाइनल इसकी हम फिनिशिंग। इसके हमने फाइनल करनी है फिनिशिंग, इसको हम यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से प्रेस से करेंगे सेट। एक प्रेस लगानी हमने कुछ इस तरीके से। और इसको ऐसे सेट कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा मार्जिन में सेट कर दूँगा। मैं करूंगा यहां पर सिंगल फोल्ड। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आपने कम से कम 1.5 इंच की रखनी है, फिनिशिंग की जो चौड़ाई है इस तरीके से। और यहां से कर देंगे इसको ऐसे फोल्ड। तो मैं आपको एक का दिखा रहा हूं रेडी करके, बाकी का सेम ही होएगा सबका, ठीक है। इसको हम यहां से यहां पर इस तरीके से सेट कर लेंगे कुछ ऐसे, और यहां पर लगा देंगे प्रेस। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से सेट, ठीक है। और लास्ट में इसमें हमने रिवील सील डाल देनी है कुछ इस तरीके से। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल फिनिश। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा फिनिश हो जाएगा। स्लिट तो हमारे कुछ आ जाएगी इस तरीके से फिनिश हो गए ये, ठीक है। देखिए इधर कोई सिलाई नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ तुरपाई ही आएगी इसके अंदर। और घेरा हमारा कुछ इस तरीके से फिनिश हो जाएगा, इससे इसकी किनारी भी बन गई घेरे की, ठीक है। और इसकी फिनिशिंग भी आ गई है, और अंदर की साइड से कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग हमने ऊंची सी ले रखी ताकि हमारी ये फिनिशिंग पूरी नजर आए दोनों साइड से। ये देखिए, तो यह हो जाएगी हमारी फिनिशिंग पीस के अंदर। तो ये देखिए, हमने ये पैंट रेडी कर लिए। पैंट रेडी करने के बाद ये हमने क्रीज लगा ली है यहाँ पर, जैसे नॉर्मल तुरपाई के लिए क्रीज लगाते हैं। इतना करने के बाद ये देखिए, क्रीज लगाने के बाद आपने ये वाली जो सिलाई है इसको खोल देना है। ये जब खोल लेके हम उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें अपनी डिजाइनिंग करनी है, जो भी डिजाइनिंग आप करना चाहते हो किसी भी तरीके की। तो ये इस प्रोसेस के बाद होती है। लेंथ की क्रीज लगा लो आप फ्रंट वाली,
और ये फोल्डिंग वाली क्रीज लगा लो। उसके बाद आपने कोई भी डिजाइनिंग करनी तो ये सिलाई खोल के, साइड वाली ये वाली सिलाई खोलकर आपने ये, उसके बाद डिजाइनिंग करनी होती है इसके अंदर। फिर वापस से डिजाइनिंग करने के बाद वापस से इसी सिलाई पर हम इसको बंद कर देंगे, तो इसकी जो क्रीज की फिनिशिंग है वो खराब नहीं होती है, वहीं की वहीं आती है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर लेस। ये देखिए इतना करने के बाद आपने क्या करना है इसमें, ये देखिए ये सिलाई लगा ली। अभी यहाँ पर हमने ये जो तिल्ला है हमारा, ये इसको हमने इससे सिलाई लगानी है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो हम धागे के साथ में ही तिल्ले का यूज करेंगे ताकि ये दोनों इजीली चलते रहें।